सो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 स्वच्छ भारत मिशन. सो स्वच्छ भारत मिशन इज द बिगेस्ट एवर क्लीनलीनेस ड्राइव इन द कंट्री. ये हमारे देश में सफाई का सबसे बड़ा अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया हर इंडियन से कि वो इस मिशन में इन्वॉल्व हो, मतलब भागीदार बने, भाग ले एंड मेक इट सक्सेसफुल, और इसे सक्सेसफुल बनाए. तो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं. लेट्स चेक हाउ मच यू नो अबाउट स्वच्छ भारत मिशन. ऑन विच डेट वॉज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च? कौन सी डेट थी वो? सेकेंड अक्टूबर 2014, राइट? What is the tagline of स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन क्या थी? स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन थी एक कदम स्वच्छता की ओर. एक कदम स्वच्छता की ओर. Which program was relaunched as Swachh Bharat Mission? So, Swachh Bharat Mission किस program का relaunched था, मतलब कौन सा program था जो दोबारा launch किया गया Swachh Bharat Mission के रूप में? तो वो था बच्चों the Nirmal Bharat अभियान. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन वॉज डेवलप्ड विद एन इंस्पिरेशन ऑफ विच इंडियन लीडर? किस भारतीय नेता की इंस्पिरेशन के द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया गया? किस इंडियन लीडर ने हमें इंस्पायर किया था इस मिशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए? तो यहाँ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन डेवलप किया गया था. व्हाट इज द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन का लोगो क्या था? तो स्वच्छ भारत मिशन का लोगो था बच्चों द स्पेक्टिकल्स ऑफ महात्मा गांधी विद द Bridge of spectacles in the national tricolor. So ये logo था महात्मा गांधी के spectacles किसके साथ? With the bridge of spectacles in the national tricolor. कलर. ओके, वेयर वॉज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च? स्वच्छ भारत मिशन कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था राजघाट न्यू दिल्ली इंडिया. ओके, सो कहाँ लॉन्च हुआ था ये? राजघाट न्यू दिल्ली इंडिया में. तो बच्चों आप ये सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं.
वेयर इज द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत पोजिशन ऑन आर न्यू करेंसी? नई करेंसी पर स्वच्छ भारत का जो लोगो था वो कहाँ पोजिशन किया गया है, उसकी कहाँ जगह है? तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द लेफ्ट एट द बैक साइड ऑफ नोट. नोट की बैक साइड पर लेफ्ट साइड में ये पोजीशन किया गया है स्वच्छ भारत का लोगो. इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर होने के बाद कौन सी कंट्री ने ऐसा ही एक सिमिलर इवेंट लॉन्च किया, स्वच्छ भारत मिशन 3 जनवरी 2015 को? तो वो कंट्री थी बच्चों नेपाल. ओके, तो आप लिख लेंगे नेपाल. द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंक्स 73 सिटीज ऑन क्लीनलीनेस. इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का एक स्वच्छ सर्वेक्षण किया 2024 में और उसमें 73 शहरों को रैंक किया गया स्वच्छता के और सैनिटेशन के आधार पर. कौन सी सिटी ने टॉप रैंकिंग ली? तो बच्चों इंदौर सिटी ने टॉप रैंकिंग ली. ओके, इंदौर सिटी ने टॉप रैंकिंग ली. व्हेन इज द बाल स्वच्छता वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल बाल स्वच्छता वीक कब मनाया जाता है? तो वीक है तो 14th to 19th November, क्योंकि क्या होता है 14 नवंबर को तो चिल्ड्रन डे होता ही है. तो 14 to 19 November हम बाल स्वच्छता वीक भी मनाते हैं. तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब आपको पता चल गई होगी. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम पढ़ेंगे. स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो था वो डिज़ाइन किया था श्री अनंत खासबरदार ऑफ कोल्हापुर. कोल्हापुर महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे. और टैग लाइन थी वो प्रोवाइड की थी किसने? मिस भाग्यश्री सेठ ऑफ राजकोट गुजरात. ओके, सो लोगो डिज़ाइन किया था श्री अनंत खासबरदार ने और टैगलाइन दी थी मिस भाग्यश्री सेठ ऑफ राजकोट गुजरात. तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों याद भी करनी है, राइट? ये सब यहाँ पर फिल करके आपको लर्न भी करना है. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है.